गुरु और चेले की परंपरा संगीत की दुनिया में बहुत सदियों से चलती आई, तानसेन के जमाने चलती आई है। एक बड़े अच्छे गुरु और चेले थे। एक दिन चेला मर गया बेचारा। गुरु परेशान, अरे एक ही चेला था मेरा, जो भी मैं उससे कहता था मानता था बेचारा। मेरे घर वाले मेरी बात नहीं मानते थे, लेकिन वो मानता था। मेरे चेले तू कहाँ है, तू कहीं भी मेरे सपने में आ जा। कुछ दिनों के बाद ये चेला सपने में आए, उनके गुरुजी प्रणाम, प्रणाम गुरुजी, चरण स्पर्श करता हूँ। बेटा तू कहाँ है? बेटा बस गुरुजी, बस आपकी दया से बराबर पहुंच गया। गुरुजी यात्रा बहुत सफल रही, और जाते ही वहां पर ना मुझे गुलशन कुमार जी मिल गए। उन्होंने कहा बेटा तुम्हारी आवाज अच्छी, मैं तुम्हारे पर एक एल्बम बनाऊंगा तुम्हारा। गुरुजी प्रणाम, बस आपका आशीर्वाद है गुरुजी। मेरे 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 एल्बम में डांस करेगी ये रंबा, उर्वशी, मेनका, तिलो, तुम सब डांस करेगी मेरे का, मेरे एल्बम पर। बहुत अच्छा हिट एल्बम होने वाला है। और इंद्रजी तो मेरे गाने से इतना खुश है, डेली अपने दरबार में मेरा गाना सुनते हैं, बहुत तारीफ करते हैं। इंद्रजी कहते हैं कि बेटा इतना अच्छा गाना तुमने सीखा कहां से? तो गुरुजी मैंने बड़े आदर से आपका नाम लिया है, अगले हफ्ते आपका कार्यक्रम रखा है।